चीन दी पीपल्स लिबरेशन आर्मी वालों भारतीय इलाके च घुसपैठ दी नवी कोशिश मगरों दोवां मुल्कां दीआं फौजां विचकार चल रही गलबात लगातार चौथे दिन भी बेसिट्टा रही। करीब चार घंटे तक चली बैठक दौरान चीन पूर्वी लद्दाख इलाके चों पिछे ना हटन दी जिद ते अड़िया रहा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने आख्या कि भारतीय सेना चीनी गतिविधियां नाल निजिठण दे समर्थ है। भारतीय हथियारबंद दस्ते इन्हां चुनौतियां नाल निजिठण लई पूरी तरह तैयार ने। उधर दोवां देशां विचाले विगड़े रिश्तियां दे मद्देनज़र चीन दे रक्षा मंत्री ने भारत दे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नाल मुलाकात करन दी इच्छा भी जाहिर की है। दस दईए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय मॉस्को च चल रही शंघाई सहकारता संगठन की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। फेंग भी उत्थे ही मौजूद ने। दूजे पासे विदेश मंत्रालय के बुलारे अनुराग श्रीवास्तव का बयान भी सामने आया है। उन्होंने आख्या कि भारत अगे भी गलबात जारी रखेगा ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵਾਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।